ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 26 प्लेयर का नाम जारी कर दिया है और पहली बार दो संथाल प्लेयर कैंप के लिए जा रहे हैं, समीर मुर्मू और संदीप मंडी। समीर मुर्मू हाल फिलहाल हुए संतोष ट्रॉफी में 10 गोल और 4 असिस्ट किए थे, साथ ही साथ उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। और संदीप मंडी जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, वो उससे पहले वो आईएसएल में खेलते थे एक डिफेंडर के रूप में। समीर मुर्मू स्ट्राइकर है, संदीप मंडी डिफेंडर है। हमारे संथाल के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार इंडियन टीम के लिए दो प्लेयर जा रहे हैं और भगवान करे दोनों का सिलेक्शन हो जाए 23 प्लेयर में और मलेशिया के अगेंस्ट दोनों फर्स्ट 11 में भी खेलें, यही मेरी चाहत है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, आप सब का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे हमारे संथाल प्लेयर 23 फुटबॉल स्क्वाड के बारे में। सही समय पर अगर सही जगह पहुंच जाओगे तो ग्रोथ होना तय है भाई, और समीर मुर्मू ने हम लोगों के सामने करके दिखाया। संदीप मंडी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि वो एक टाटा फुटबॉल अकेडमी के प्रोडक्ट हैं, वहाँ से खेले, वहाँ पे ट्रेनिंग लिए, धीरे धीरे उसके बाद आईएसएल में खेले। प्लेयर को आईएसएल में चांस ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उन सब प्लेयर को कैंप में बुलाया गया है। जो यूथ है, जवान है, नया नया लड़का है, सबको बुलाया गया है कैंप में। जो अच्छा करेंगे उसको 23 मेंबर के बीच में रखा जाएगा, जो के अगेंस्ट 22 और 25 मार्च को कुआला लुमपुर में खेला जाएगा। तो आप लोग जरूर मैच देखिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखो भाई, मलेशिया का टीम भी ज़बरदस्त है, वो एशियन कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, हार्ड टीम है। इंडियन टीम भी कम नहीं है, इस बार ज़बरदस्त सिलेक्शन किया गया है। मणिपुर के कुछ प्लेयर को सिलेक्शन किया गया, ज़बरदस्त खेल दिखाया है भाई संतोष ट्रॉफी में, एक से एक बढ़कर प्लेयर है। और मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो मणिपुर डिजर्व कर रहा था संतोष ट्रॉफी फाइनल, बट गोवा भी कम नहीं है, गोवा ने अपना दम दिखा ही दिया, हालांकि हार गया फाइनल में। इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और हेड कोच करेंट नॉर्थ ईस्ट के असिस्टेंट कोच नौसद मूसा है और असिस्टेंट कोच नोएल विल्सन। मज़ा आ जाएगा भाई, कोच भी ज़बरदस्त है, एक से एक ज़बरदस्त क्लब का हिस्सा रहे हैं और हेड कोच इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इसलिए इंडियन टीम को उस समय कैसे जीताना वो भली भांति जानते हैं। और हम लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे और मैच को जरूर देखेंगे, क्योंकि पहली बार भाई दो प्लेयर खेल रहे हैं हमारे संथाल प्लेयर। उससे पहले अंडर 19 में विजय मरांडी खेले थे, वो ज़्यादा मैच नहीं खेले थे बट सेफ में चैंपियन के हिस्से थे, इसलिए मज़ा आया भाई। वो भी अब इंडियन सुपर लीग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं हैदराबाद एफसी से। आशा करेंगे कि इस बार हमारे संथाल प्लेयर ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाए। मलेशिया टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एशियन कप के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंडियन टीम भी कम नहीं है। हेड कोच जो बनाया गया है वो काफ़ी अनुभवी है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, तो जिताने के लिए उसका फेवरेट पोजीशन रहता है 5-4-1। तो देखते हैं कैसे स्क्वाड में कौन सा प्लेयर को फर्स्ट 11 में जगह देते हैं, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मैच देखिएगा जरूर, मज़ा आ जाएगा भाई। और कुआलालंपुर में 22 और 25 मार्च को खेला जाएगा, दो फ्रेंडली मैच खेला जाएगा और हम लोग देखते हैं कैसे प्रदर्शन करते हैं इंडियन टीम। और सीनियर टीम भी अब वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए खेलेंगे भाई, उनका मैच है 22 मार्च और 26 मार्च, आप सीनियर टीम को भी देखना ना भूलें। हर एक टीम को इंडिया के लिए जो खेलते हैं जरूर सपोर्ट करें, दिल से शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो संदीप मंडी और समीर मुर्मू, बेस्ट ऑफ लक, आप दोनों जी जान लगा दीजिए हमारे इंडियन टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए, मैच जिताइए, हम आपको देख के धीरे धीरे ग्रोथ जरूर करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ट्रायल देना चाहते हैं, आप लोग अपडेट मिस मत कीजिए, और हो सकता है मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा तो भी मैं इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक पेज में ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो बनाए रहे, जमाए रहे हमारे साथ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फुटबॉल प्रेमी दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे संथाल समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे संथाल प्लेयर आगे ग्रोथ कर रहे हैं, इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद।